गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शराब दुकान खुलने को लेकर उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोई मतभेद नहीं है और अगर कांग्रेस को यह लगता है तो उनको भी मुगालते में रहने का अधिकार है। उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि नाम और धर्म बदलकर जो लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वे जेल जाएंगे, उनके लिए जेल खाली है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा उनके और शिवराज के बीच कोई मतभेद नहीं है, भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है जहां सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्होंने अपना मत दिया है। अमानक शराब बॉर्डर क्षेत्र से सप्लाई की जाती है, इसको बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो खुद कैबिनेट में सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि अपनी बात रखिए, लेकिन मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ, दुकान खुलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस मुगालते में है कि हमारे बीच मतभेद है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को धोखा देने वाले किसानों के समर्थन की बात करते हैं, विपक्ष में रहकर किसान को पूछते हैं, सत्ता में आने के बाद किसानों को भूल जाते हैं। तबादलों को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था वो कौन होते हैं, इस पर सवाल उठाने वाले। उन्होंने लव जिहाद करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि लव जिहाद धर्म और नाम बदलकर हरकतें करते हैं, उन्हीं के लिए ये धर्म स्वतंत्र कानून बना है, उनके लिए जेल में जगह खाली है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है उनने, मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के। मैंने अपनी बात कही है, मैंने कहा है कि ये अमानक और अवैध बिना डिग्री की शराब जो आती है वहीं आती है जहां पर ठेके की व्यवस्था नहीं होती है, जहां पर डिग्री नापी हुई शराब बेचना चाहिए वो नहीं मिलती है, तब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं। अथवा हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए, लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। इसको अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन, मतभेद उभरे, दो धाराएं, ऐसा मानती है तो थोड़ा मुगालते में उनको भी रहने का अधिकार तो है, रह ले। लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि दुकान खुलनी चाहिए। कांग्रेस का काम आरोप लगाने का है, जिन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाया हो, जिन्होंने बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया हो, वो इस किस मुँह से आरोप लगाएंगे। कांग्रेस 15 महीने में अपने 15 साल तक के अधिकार खो चुकी है। हाँ, मध्य प्रदेश में दूसरा या तीसरा है और राजधानी में पहला है, कानून बनाया ही इसलिए कि इस तरह का धोखा देकर, नाम बदलकर, जात बदलकर, धर्म बदलकर अगर इस तरह के काम करोगे, लालच देकर, प्रलोभन देकर इस तरह के काम करोगे तो धर्म स्वातंत्र विधेयक आप ही के लिए बना है, पधारिए, जेल में स्थान खाली है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।